दोस्तों, गयाना जिसे हम गुयाना भी कहते हैं दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसका ऑफिशियल नेम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना है। भारत की तरह ही यह देश भी कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन 26 मई 1966 को यह अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हुआ और 23 फरवरी 1970 को यह गणराज्य घोषित हुआ, यानी इस दिन गयाना का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, यह देश भले ही बहुत छोटा है, लेकिन अपनी भाषा, रहन सहन और संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गयाना के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में स्थित गयाना की खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। बाद में हॉलैंड ने गयाना में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। हालांकि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने गयाना पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, गयाना पर शासन के दौरान ब्रिटेन ने अपने दूसरे उपनिवेशों जैसे भारत और अफ्रीकी देशों से लोगों को लाकर वहां मजदूरी कराने का काम शुरू किया। बाद में वे लोग वहीं बस गए और आधुनिक गयाना का निर्माण किया। यही कारण है कि गयाना की आबादी का ज्यादातर हिस्सा भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलकर बना है। दोस्तों, गयाना उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला द्वारा घिरा हुआ है। इस देश का क्षेत्रफल 2,14,970 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या 7,90,000 है। दोस्तों, यहाँ की आबादी में लगभग 43.5% लोग इंडियन मूल के हैं, जबकि लगभग 30% अफ्रीकी मूल के हैं। इस देश की 62.7% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि 24.8% हिंदू धर्म और 6.8% लोग इस्लाम को मानते हैं। दोस्तों, गुयाना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जॉर्ज टाउन है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट कप्तान क्लाइव लॉयड, लॉन्स गिब्स, कार्ल हूपर इत्यादि जॉर्ज टाउन के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, गुयाना की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जबकि इसके अलावा यहाँ 10 और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें गुयानीज, हिंदुस्तानी, पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच इत्यादि है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि गुयाना में बोली जाने वाली गुयानीज हिंदुस्तानी असल में हिंदी और भोजपुरी का मिक्स रूप है। इसे वहाँ भोजपुरी भाषा भी कहा जाता है। दरअसल अंग्रेजों ने बिहार और यूपी के लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर गुयाना ले गए थे। तब से वो लोग वहीं बस गए, लेकिन उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति और भाषा को नहीं छोड़ा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे गुयाना में लगभग 3 लाख लोग भोजपुरी बोलते हैं। दोस्तों, जिस तरह महात्मा गांधी को भारत में फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, ठीक उसी तरह छेदी जगन को गुयाना का राष्ट्रपिता कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वो इंडियन मूल के थे। उनके पेरेंट्स उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के रहने वाले थे, जहां से अंग्रेज उन्हें मजदूरी के लिए गुयाना ले गए। बाद में छेदी जगन और दूसरे भारतीय तथा अफ्रीकी नागरिकों ने गुयाना की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आजादी के बाद छेदी जगन 1992 से 1997 तक गुयाना के चौथे राष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों, ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत सम्मान की बात है कि एक भारतीय मूल के नागरिक को दूसरे देश में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये फैक्ट पता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गुयाना की करेंसी का नाम गुयानीज डॉलर है और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का एक रुपया 2.86 गुयानीज डॉलर के बराबर है। यानी घूमने के लिहाज से गुयाना हम सभी भारतीयों के लिए एक सस्ता देश है। गुयाना की GDP 6.806 बिलियन डॉलर है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत आय 8,649 डॉलर है। दोस्तों, आपने वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम को खेलते देखा होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में वेस्टइंडीज नाम का कोई देश है ही नहीं। चौंक गए ना यह सुनकर? असल में 15 कैरेबियन देशों के समूह को वेस्टइंडीज कहते हैं। इन्हीं 15 कैरेबियन देशों में से एक है गुयाना। यही कारण है कि वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम में गुयाना के खिलाड़ी भी खेलते नजर आते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है और साल 2007 में इस देश ने क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भी की थी। दोस्तों, गुयाना को हिंदी में जल की भूमि यानी लैंड ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस देश का 60% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। उनमें से कुछ जंगल बहुत ज्यादा घने हैं, जहां इंसानों के कदम आज तक नहीं पड़े हैं। दोस्तों, यहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण भारत का कल्चर भी यहाँ देखने को मिलता है। दूसरे अमेरिकी देशों की तरह यहाँ लव मैरिज का चलन ज्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ के ज्यादातर लोग आज भी अरेंज मैरिज करना ही पसंद करते हैं और यहाँ भी ज्यादातर महिलाएं ही बच्चे का पालन पोषण करती है। दोस्तों, गुयाना में मुख्य आर्थिक गतिविधि में कृषि, बॉक्साइट, स्वर्ण खनन, लकड़ी, मछली पालन और खनिज इत्यादि का अहम योगदान है। दोस्तों, गुयाना की प्राचीन इमारत सेंट जॉर्ज एंग्लिकन कैथेड्रल है,
हैरानी की बात यह है कि ये इमारत पूरी तरह से लकड़ी की बनी हुई है। यह इमारत दुनिया के सबसे ऊंची लकड़ी की संरचनाओं में से एक है। यही कारण है कि इसे हर साल हजारों सैलानी देखने आते हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत देश होने के बावजूद गुयाना के नाम पर एक दाग भी है। दरअसल पूरी दुनिया में गुयाना में औसतन प्रति 1000 व्यक्ति पर सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक सुसाइड गुयाना में ही हुआ था। 18 नवंबर 1978 को 276 बच्चों समेत 914 लोगों ने जिम जोन्स नाम के एक धार्मिक नेता के बहकावे में आकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद गुयाना को दुनिया का सुसाइड कैपिटल भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, इस देश में भी लोग भारत की ही तरह होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस इत्यादि मिलजुल कर मनाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस देश में समलैंगिक विवाह पूरी तरह अवैध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वहाँ के कानून के अनुसार उन्हें उम्र कैद की भी सजा दी जा सकती है। दोस्तों, गुयाना कई देशों को वीजा फ्री एंट्री देता है तो कई देशों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। हम भारतीय नागरिकों को भी गुयाना में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, यानी वहाँ एयरपोर्ट पर उतर कर आप वीजा ले सकते हैं। दोस्तों, गुयाना में बच्चों की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। वहाँ पेरेंट्स बच्चों की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यही कारण है कि इस देश का लिटरेसी रेट 96.7% है। दोस्तों, गुयाना के एकमात्र विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1963 में हुई थी, लेकिन यहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है, जिस कारण बहुत कम लोग ही यहाँ ग्रेजुएट हो पाते हैं। दोस्तों, गुयाना एरिया के हिसाब से दुनिया का 83वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश में रेल सर्विस नहीं है। हालांकि साल 1970 तक इस देश में रेल सेवा थी, लेकिन लगातार घाटे में चलने के कारण गुयाना की सरकार ने रेल सेवा को बंद कर दिया। यहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मिनी बस का यूज करना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल द कैट्योर फॉल्स गुयाना में ही है। इसकी कुल ऊंचाई 251 मीटर है और यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली झरनों में से एक है। इसका औसत जल प्रवाह दर 663 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। इतना ही नहीं, इस वाटरफॉल्स की ऊंचाई विश्व प्रसिद्ध नायग्रा फॉल्स से भी 5 गुना ज्यादा है। दोस्तों, गुयाना का राष्ट्रीय त्योहार मस्त्रमनी है। यह त्योहार गुयाना के गणतंत्र बनने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन गुयाना वासी नाचते गाते हैं, परेड करते हैं और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों को भारतीय भोजन बहुत पसंद है। यही कारण है कि गुयाना में आपको भारतीय रेस्टोरेंट अच्छी खासी संख्या में दिख जाएंगे। इन रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में ही खा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी गुयाना के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे आगे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।